आइए अब आपको दिखाते हैं प्रदेशों से जुड़ी 25 बड़ी खबरें प्रदेश 25 में। यूपी के हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित महिला के आत्महत्या करने के मामले को लेकर आज जमकर बवाल हुआ है। घटना से गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साए लोगों ने पीड़ित महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन लोग उग्र होते चले गए। यूपी के गोंडा से कासगंज जा रही गोकुल एक्सप्रेस के इंजन में बहराइच के रसिया के पास अचानक से आग लगी। नोएडा सेक्टर 59 में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई। मेरठ हादसे के दौरान घायल कांवड़ियों के इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरठ में एक लड़के ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की मां की हत्या कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों की जान ले ली। गाजियाबाद में पुलिस ने चार छात्र ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक वकील ने मामूली झगड़े में एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली मार दी। दिल्ली में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने बीएसईएस कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं ने इजरायली दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मंडावली इलाके से किडनैप किए गए बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। राजस्थान के अलवर में शहर के बीचों बीच स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने मंचलों को सुधारने के लिए अनोखा तरीका ईजाद किया है। पंजाब के गुरदासपुर में एक एएसआई को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। मुंबई में आज भी हाई टाइड आया, दोपहर करीब 2:28 पर हाई टाइड आया। हाई टाइड को देखते हुए बीएमसी ने पहले ही खास बंदोबस्त किए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश होने से एक बार फिर से चारधाम यात्रा खतरे में पड़ गई। बारिश की वजह से केदारनाथ के कई रास्तों में भारी भूस्खलन हो रहा है। उधर चमोली में भी बारिश से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते टूट गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे।